वजीर आजम का नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम, उसकी तकरीब हुई कुछ दिन पहले और उसके अंदर बड़े यंगस्टर्स ने शिरकत की, उन्होंने बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ दिए और उसके फातह साद गफरान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वजीर आजम के नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम के विनर हैं। अब उनका प्रोजेक्ट क्या था और किस वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट पर इनाम दिया गया और कितना इनाम दिया गया, ये सारी बातें करेंगे क्या, ये भी हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया साद आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जरा नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम जो है इसके बारे में बताइए, ये क्या प्रोग्राम था और कैसे आपने शिरकत की इसमें? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेशनल इनोवेशन अवार्ड था वो प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव था कि जो यंग स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको एक फंडिंग दी जाए ताकि वो एक आगे जाके ग्लोबल स्टार्टअप्स के अंदर और यूनिकॉर्न्स बनाने में कामयाब हो सके। सो आई वाज अमंग द विनर्स ऑफ द नेशनल इनोवेशन अवार्ड और माय प्रोजेक्ट इज़ अबाउट टेक एजुकेशन। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेन इशू एंड द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। हमारी 65 मिलियन यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। दूसरी तरह अगर हम ख़वातीन पॉपुलेशन की बात करें सो वी हैव अबाउट 101 मिलियन वुमेन पॉपुलेशन, जिसमें से 67 मिलियन वुमेन के पास हमारे पास डिजिटल एक्सेस टू इंटरनेट है। लेकिन ये हम लोग ब्रिज को गैप नहीं कर पा रहे, राइट? सो हम लोग एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेकर आए हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, और हम लोग इस इन नई फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग के अंदर जो कि वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है इसमें बच्चों को ट्रेन करते हैं। और वंस अ स्टूडेंट इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आर प्लेटफॉर्म तो हम लोग उनकी अपनी रिमोट प्लेसमेंट पार्टनर्स के पास, जिसमें हमारे पास Turing.com है, जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, जिसमें हमारे पास मिडिल ईस्ट एंड दुबई की कंपनीज हैं एज वी पार्टिसिपेटेड इन जाइटेक्स। सो हम उनको वहाँ पर ग्लोबली प्लेस करवा देते हैं और आपने कहीं जाना नहीं होता, आपने अपने घर से बैठ के ही काम करना होता है एंड यू विल अर्न इन डॉलर्स। अच्छा, बिल्कुल सही। अब ये जो आप प्रोग्राम है टेक एजुकेशन, जी टेक एजुकेशन के हवाले से जो आपका ये प्रोग्राम है, ये तो इसने कितना इनाम जीता इस नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम से? जी हमें जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से अवार्ड मिला है वो 1 मिलियन रुपीज का अवार्ड मिला है फॉर द नेशनल इनोवेशन अवार्ड। ठीक है। अच्छा, और अब इस इनाम से आप अपने इनिशिएटिव में या इनोवेशन का जो ये आपने एक प्लान बनाया है उसमें किस तरह से इस इनाम को आप इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से बाकायदा तौर पर इसका आप आगाज करने लगे? अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया नवंबर 2021 के अंदर। अभी तक आज की डेट में हम लोग 6000 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी इन टेक डोमेन्स के अंदर एजुकेट कर चुके हैं, राइट? और इसमें से 1200 से 1300 लोग हैं जिनको ऑलरेडी प्लेसमेंट्स मिल चुकी हैं। और मैं ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड के 250 टॉप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उसके अंदर से 10 स्टूडेंट सिर्फ एडवर्सिटी के थे। I mean कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा प्रोपोर्शन था हमारे पास जो हम टेक एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर भी फोकस करते हैं। सो ये जो अब ग्रांट हमें मिला है 1 मिलियन रुपीज़ का, इससे हम लोग इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। हम लोग अभी पाकिस्तान के एज वी आर एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तो हम पाकिस्तान के वैसे ही डिफरेंट इलाकों में हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो रीच है इन एरियाज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू एरियाज लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह, राइट? तो अब हम अपना फोकस करने लगे हैं रिमोट एरियाज के ऊपर और हमने अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इतना मोबाइल कर दिया कि अगर किसी का लो बैंडविड्थ 3G इंटरनेट भी है तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो उनकी एजुकेशन को, उनकी सब चीज़ों को रन कर सकता है। अच्छा, अब ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म पर लोग कैसे रजिस्टर हो सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म उनको तालीम देने के कितने पैसे लेता है उनसे? क्या कोर्सेज की अलग अलग फीस है या कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है? बिल्कुल। सो हमारे पास 3 तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक होती है हमारे पास मास्टर क्लासेस, वो होती है हमारे पास 1 दिन की और वो हम आपको 5 घंटे में एक पूरी टेक्निकल डोमेन, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन है, उसका हम पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको 1 दिन के अंदर दे देते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक होती है लॉन्च स्ट्रीम, वो हमारे पास 2 मंथ्स की स्ट्रीम होती है और उसके अंदर हम आपको जॉब रेडी बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है स्पेशलाइज स्ट्रीम के जितने भी कोर्सेज हैं हमारे पास सर्टिफाइड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट होते हैं और उसमें आपको स्पेशलाइज कर देते हैं।
इस इन सारी प्रोग्राम्स की फी चार्जेस अलग हैं। आप सिंपली ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म पे एनरोल करना है कि वो www.adversity.com.pk के ऊपर जाएं, उधर लिस्ट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वेब 3, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, मर्न स्टैक डेवलपमेंट, वहाँ जाएं, अपने कोर्स को एनरोल करें। और अभी हमने एक बड़ा अच्छा एक जल्दी से प्रोग्राम के लिए किया कि 92 न्यूज का अगर आप प्रोमो कोड लगाएंगे और अवैस मंगल वाला या शफा यूसुफ जई की आप प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके कोर्सेज के ऊपर, राइट। सो आप अभी जाएं और अभी एनरोल कर सकते हैं। अरे क्या बात है। अच्छा आप ये बताएं साथ के, अब मिसाल के तौर पे थोड़ी सी अगर हम एग्जांपल से आपसे समझें कि 5-6 कोर्सेज का आप हमें एग्जांपल दे दें कि वो कोर्सेज करने के बाद मैं या वैस या कोई भी शख्स और जो कर रहा है वो मार्केट में जाएगा तो वो कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से काम या किस किस किस्म की जॉब्स करने के लिए केपेबल हो जाएगा। हाँ, और उसको कितनी सैलरी मिल रही होगी और किस एज के लिए, जरा उस टर्म्स में हम बात करें ताकि लोगों को भी समझ में आए ज्यादा बेहतर। अच्छा मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ओ लेवल्स किया हुआ था, राइट, एंड नाउ ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स ए लेवल्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्स किए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम क्या कराते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें वेब डेवलपमेंट, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम उसमें करते हैं। सो उस बच्चे ने वो हमारे पास 5 महीने का कोर्स किया और जब वो बच्चा अभी निकला है सो वो Turing.com जो कि एक ग्लोबल HR प्लेसमेंट कंपनी है, सिलिकॉन वैली बेस्ड US कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उसकी तनख्वाह जो है, जिसकी मैं बात करूँ महीने की तनख्वाह, और वो घर बैठ के लाहौर में बैठा होता है, वो उसकी तनख्वाह 5,500 US डॉलर्स है और वो कहीं कुछ नहीं करता। उसके पास एक हफ्ते में 3 छुट्टियाँ आती हैं, वो सिर्फ 8 घंटे अपनी जॉब करते हैं और वो $5,500 का रेवेन्यू जनरेट करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर वाइल सिटिंग एट हिज होम। उसने हमारे पास से क्या किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और हम यही रिकमेंड करते हैं। मैं भी कुछ नहीं करना चाहती साथ, मैं भी बस यही करना चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ। सही, वन कोर्स पर टाइम करें आप, सीखें और फिर उसके बाद आप 5 घंटे का है, 5 महीने का है। अच्छा मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कोर्स आप लोगों का कितने अरसे का है और शॉर्टेस्ट कितने अरसे का है, ये भी जरा बता दें ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कितना टाइम वो दे सकते हैं। जी लॉन्गेस्ट कोर्स जो होता है वो हमारे पास 5 मंथ्स का होता है और इसमें हमें आपकी वीकली कमिटमेंट ऑफ 7 आवर्स रिक्वायर्ड होती है फॉर एंटायर जर्नी, राइट। तो ये लॉन्गेस्ट कोर्स है हमारा 5 मंथ्स का। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो वो 2 मंथ्स के होते हैं, उसमें हमें आपकी वीकली कमिटमेंट ऑफ 10 आवर्स चाहिए होती है। और उसके बाद हमारे पास मास्टर क्लासेस है, वो एक जेनेरिक ओवरव्यू के लिए होती है और वो एक दिन की होती है। सही, मिनिमम एज क्राइटेरिया या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है मास्टर क्लासेस और लॉन्च स्ट्रीम के लिए? हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 क्लास है ताकि एक बच्चा समझ सके जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है और जितनी हम टेक्नोलॉजी की इस बात करेंगे तो वो उसको ग्रैब कर सके उन कॉन्सेप्ट्स को, तो उसके लिए हमारे पास 8 क्लास। और जो हमारे पास बाकी प्रोग्राम्स है, स्पेशलाइज प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स, उसके लिए हम रिक्वायर करते हैं कि एटलीस्ट एक बच्चे ने मैट्रिक किया हो। सही है। फाइनली आखिर में मुख्तसरन ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब को आपके इस प्रोग्राम में क्या चीज़ पसंद आई? ओके, सो वजीर आजम को जो सबसे ज्यादा बात पसंद आई वो ये आई कि हम लोग बाहर की को अपनी सर्विसेज बेच के, दुनिया भर में अपनी सर्विसेज बेच के उनकी रेमिटेंसेस अपने पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान को अभी तक इस इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत है। सो हमारे बच्चे जो बाहर की दुनिया में काम करते हैं वो डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं और जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के और हमारे गोल्स अलाइंड थे, तो ये चीज प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत पसंद आई मेरे ख्याल में। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है और इसकी वजह से उन्होंने हमें अवार्ड दिया। ठीक है भाई, साथ साहब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप और वजीर आजम साहब एक पेज पर थे, तो अल्लाह ताला आप लोगों को एक पेज पर ही रखे और हमारे काम को भी टेक्नोलॉजी के पेज पर लेकर आए ताकि वो टेक्नोलॉजी, जी टेक्नोलॉजी की मदद से हम पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंस का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान बेहतर हो जाए, वो बेहतर कर सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साद गफरान सिद्दीकी, हमारे साथ नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम के अवार्ड विनर, 10 लाख रुपए जीते, उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बनाया है। बिल्कुल, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ टेक्नोलॉजी में ही रहता आप तो बस मेरे घर में भी दौलत का दरिया बहता। बिल्कुल।